कोरोना काल में सोने की कीमतें करिश्माई छलांग लगाने को तैयार नजर आती है। जेपी मॉर्गन ने दावा किया है कि दिवाली तक सोने के दाम 70,000 तक पहुंच सकते हैं। इस बीच सोने की ऊंची कीमतों ने अब लोगों को डिस्काउंट पर गोल्ड खरीदने का मौका भी दे दिया है। कोरोना काल में सोना सबका चहेता बना हुआ है। इसकी कीमतों ने हाल ही के दिनों में ऊंचाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते चंद दिनों में जरूर इसके दाम तेजी से नीचे आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिवाली तक सोने का भाव नया रिकॉर्ड बनाएगा। जेपी मॉर्गन का कहना है कि आर्थिक मंदी, महामारी और राजनीतिक हालात के मद्देनजर सोना दिवाली तक 70,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। कोरोना वैक्सीन के आने के बाद भी ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार में वक्त लगने का अंदेशा जेपी मॉर्गन ने जताया है। ऐसे में सोने की कीमत में तेजी आने की पुख्ता संभावना है। जानकार भी इसे अस्थायी गिरावट करार दे रहे हैं। ग्लोबल रिसेशन यहां पर पहले से था और अब ग्लोबल फियर और कोरोना का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से सोने की चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसी वजह से सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। फिलहाल अभी आने वाले समय में जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आता तब तक अभी सोने के दामों में कोई गिरावट के संकेत यहां पर नहीं दिखाई देंगे और इस साल दिवाली तक सोना 60,000 से ऊपर भाव दिखा सकता है। इस तेजी के बीच निवेशकों में सोने में खरीदारी का रुझान बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल कम डिमांड और ज्यादा इंपोर्ट के चलते भारत में सोने की कीमतों पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। सोने खरीदने पर फिलहाल 500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक का डिस्काउंट मिल रहा है। भारत में सोने की कीमत में 3% हिस्सा GST का होता है और 12.5% हिस्सा आयात शुल्क का होता है। वायदा बाजार में 7 अगस्त को सोना अब तक के अपने उच्चतम स्तर 56,200 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इसके बाद इसकी कीमत में करीब 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई। सोने की कीमतों में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद सोना इस साल 25% से ज्यादा महंगा हो चुका है। कोरोना काल में सोना सुरक्षित निवेश का ठिकाना बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग इसमें खूब निवेश कर रहे हैं, साथ ही डिस्काउंट का फायदा लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। गोल्ड ज्वेलरी परचेस में बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, मेनली ऑन मेकिंग चार्ज अप टू 50% तक गोल्ड का मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट दे रहे हैं। डायमंड ज्वेलरी में डायमंड का कॉस्ट में रैप रिपोर्ट के हिसाब से 50% तक डिस्काउंट मिल रहे कस्टमर्स को। हम अपने ज्वेलरी में सारा कस्टमर्स को ओणम के फेस्टिवल सीजन के मुकाबले 50% मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट दे रहे और लकी ड्रॉ के साथ स्क्रैच एंड विन कार्ड निकाला है। सोना हमेशा ही मुसीबत की घड़ी में खूब चमका है। 1979 में कई युद्ध हुए और उस साल सोना करीब 120% उछला था। जब ईरान से अमेरिका का तनाव बढ़ा और फिर चीन अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति बनी तब भी सोने की कीमत बढ़ी। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में निवेश जुलाई में जून के मुकाबले 86% बढ़कर 921 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अब देखना यही है कि डिस्काउंट के इस मौके का फायदा निवेशक उठाएंगे या फिर इसकी आसमान छूती कीमतों को देखकर वो इससे दूरी बना लेंगे। आज तक ब्यूरो। पेट्रोल की कीमतों ने बीते 9 दिनों में आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। इन 9 दिनों में पेट्रोल 1.19 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद होने से अपने वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोग इस बढ़ोतरी से बेहद परेशान हैं। कोविड-19 और इसके चलते मांग में कमी रहने से कच्चे तेल के दाम भले स्थिर हैं, लेकिन देश में पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल के भाव 90 रुपए प्रति लीटर के पार चले गए हैं। महाराष्ट्र के परभनी में पेट्रोल 90.48 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बीते 9 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 1.19 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। जानकारों के मुताबिक इस बढ़ोतरी के पीछे कई वजहों का हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस समय कच्चा तेल $45 और भारत का जो रुपया है वो $75 के पास है, तो इसकी वजह से यहाँ पर
जो है वो पेट्रोल के दाम थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब चाइना, यूरोप और अदर देशों से पेट्रोल और डीजल यानी कि कच्चे तेल की डिमांड ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से आने वाले समय में अब धीरे धीरे कच्चे तेल के दाम थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। सोमवार को फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। इसके असर से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 13 पैसे महंगा होकर 81.62 रुपए प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल 12 पैसे महंगा होकर 88.28 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। कोलकाता में भी पेट्रोल 12 पैसे महंगा हुआ है और अब इसकी कीमत 83.13 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमतें 12 पैसे बढ़कर 84.64 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हालांकि फिलहाल डीजल की कीमतों को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है जिससे महंगाई कंट्रोल में रहे। हालांकि अभी डीजल में दाम नहीं बढ़े हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि सरकार ये इस समय किसी भी तरीके से महंगाई को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती है और इसी वजह से डीजल के दामों में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी का संकेत नहीं दिखाई दिए हैं, क्योंकि अगर डीजल यहाँ पर महंगा होता है तो जो डेली प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उनमें कहीं ना कहीं से महंगाई बढ़ जाती है। इस बीच पेट्रोल डीजल के दाम पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला कच्चा तेल फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में शांत नजर आ रहा है। कोविड के फिर से जोर पकड़ने और अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के चलते क्रूड मार्केट सुस्त नजर आ रहा है। अभी अगले कुछ और दिन इसमें नरमी बने रहने का ही अनुमान है। आज तक ब्यूरो बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।